जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एलसीएम एचसीएफ में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या है कि एलसीएम एचसीएफ का हम जो आपको बेसिक क्लास ली है उसमें हम आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिए एलसीएम के बारे में, एलसीएफ के बारे में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्या बोले कि सीधे सवालों पर आएंगे, नहीं मल्टीपल और फैक्टर हम छोड़ दिए। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि कौन सा टॉपिक छूट जाता है। कभी कभी हम भी इंसान हैं। तो अब जब अचानक से याद आया कि हम सीधा सवालों पे नहीं जा सकते हैं, मल्टीपल और फैक्टर से अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, 5-6 सब टॉपिक यहाँ से बनता है जहाँ से अच्छा अच्छा सवाल आता है, जैसे कि आपसे पूछ देता है कि किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों का योग पूछ देता है, गुणनखंड का आपसे जो है प्रोडक्ट पूछ देता है। तो ये सब चीज़ बढ़िया बढ़िया सवाल ही यहाँ से बनता है और बहुत एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल आया हुआ है। तो इस सब टॉपिक को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, तो ये छूट रहा था। इसीलिए हम किए क्या कि कायदे से सब कुछ लिख लिए हैं और ये भी लिख लिए कि क्या क्या पूछता है। देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और डिविजर, ठीक है। गुणनखंड ये आपका हिंदी होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड डिविजर्स। तो इसको हिंदी में कहेंगे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड या डिविजर्स की संख्या, भाजकों की संख्या पूछता है सवाल। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ये 7 टॉपिक मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड है जहाँ से सवाल आता है और ये हमसे छूट रहा था, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझेंगे। अब इन 7 में कुछ छूट ना जाए उसके लिए हम सारा का सारा तैयारी करके आए और इसका आपको जो है इमेज टेलीग्राम पे डाल देंगे। हालांकि ये इंग्लिश में है, समझना आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो और ये वीडियो हो सके तो YouTube पे भी जाएगा। तो भाई जो लोग YouTube पे देख रहे हो, जो लोग YouTube पे देखेंगे, आपके लिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे वो टेस्ट का लिंक हो, चाहे वो ऐप का हो, चाहे वो किसी भी तरीका का कोर्स हो, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी बात अगर आपको जानना हो, कुछ भी इंक्वायरी करना हो, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी जो थोड़ा सा गैप हुआ वो टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में हुआ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बनाना बहुत ज़रूरी था। देखिए आप ही लोग का डिमांड था कि सर टेस्ट सीरीज लाइए। तो भाई आदमी हम लोग दो ही हैं, एक हम और एक अभिषेक सर, तीसरा व्यक्ति कोई है नहीं। तो हम लोग दोनों ही मिल के सब कुछ मैनेज करते हैं। तो जब तक हम लोग एक साइड देखते हैं तब तक एक साइड का काम जो है थोड़ा सा छूट जाता है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए मल्टीपल्स और फैक्टर्स। एलसीएम एचसीएफ का ही पाठ है, एकदम शिद्दत से समझना, बहुत बारीक बारीक से सवाल यहाँ से आ जाता है, ठीक है। एक मिनट का समय दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मल्टीपल और फैक्टर से ना बहुत बारीक बारीक सवाल आता है जहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चीज़ को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ जानेंगे, एक एक बात को बस शिद्दत से समझिएगा, एकदम कायदा से हाथ पैर मोड़ के जहाँ भी है, जैसे जिस भी हालत में आप देख रहे हैं, दिमाग को पूरा यहाँ पर फोकस रखिएगा, ठीक है। देखिए तो सब कुछ कंप्लीट एकदम लिख दिए क्या क्या हमको पढ़ाना है, सब कुछ की, ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं मल्टीपल्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में गुणज है, गुणज। अभी देखिए मल्टीपल्स क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर का जो गुणज है ना वो अनंत होता है, कोई भी नंबर का। आप कोई भी नेचुरल नंबर को पकड़ लीजिए और उसको
नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उस नंबर का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब जैसे कि हम नंबर पकड़ लिए 3, ठीक है, अब हम 3 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे शुरू से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। इस तरीका से इनफाइनाइट तक हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। आप कोई भी नंबर को पकड़ के आप उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको अनंत तक मल्टीपल दिखेगा, अनंत तक दिखेगा। कोई भी नंबर जैसे कि 7 ले लिए, तो उससे 7 का मल्टीपल 7 14 21 28 35 42 49 एकदम ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, एकदम सब कुछ लिख लिए, छूटने का तो आज डर ही नहीं है, ठीक है। फिर देखो, मान लो कि हम ले लिए 12, तो भैया 12 का मल्टीपल, तो इसको ना आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मल्टीपल इनफाइनाइट तक मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 12 को 1 से किए, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 3 × 36, 4 × 48, 5 × 60, 6 × 72, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीपल्स है, इन्हीं को मल्टीपल कहते हैं। तो भैया 12 का ये सारा का सारा क्या है, मल्टीपल है। 7 का ये सारा का सारा क्या है, मल्टीपल है। 3 का ये सारा का सारा क्या है, मल्टीपल है। अब अपना देसी भाषा में समझाते हैं कि मल्टीपल है क्या। भाई जिस नंबर के टेबल में कोई भी नंबर आएगा सब उसका क्या है, मल्टीपल है। अब तीन का टेबल पढ़ना चालू करो, टेबल क्या है, मल्टीपल ही तो है, टेबल ही तो मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखें कि मल्टीपल्स अनंत होते हैं, ये बात सच है, अनंत होते हैं, मल्टीपल अनंत होते हैं। तो ये चीज़ है आपका मल्टीपल है, आप कोई भी नंबर का मल्टीपल देखना अनंत तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो टेबल याद करते हैं वो तो 10 तक, तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल 10 तक होता है। जैसे कि 3 का अगर हम मल्टीपल देखें तो 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 और 3 × 10 = 30, भैया 30 मतलब 10 ही मल्टीपल आएगा, ऐसा नहीं है। फिर 11, फिर 12 से, फिर 13 से, फिर 14 से, फिर बहुत दूर अनंत तक चलते जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होगा मल्टीपल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हम लोग समझ पाए, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत होगा, असंख्य मल्टीपल होगा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर, फैक्टर क्या है, ठीक है, फैक्टर क्या है, फैक्टर्स पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स एकदम समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, इसको गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, किसी कोई भी नंबर का फैक्टर जो है ना वो क्या है। तो सबसे पहले हम आप कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जो लिखे हैं वही लिख लेते हैं, मान लो कि 24 की, ताकि आपको नोट्स को समझने में सुविधा है, ठीक है। अब 24 का फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, देखो फैक्टर्स गुणनखंड मतलब 24 को 24 का खंड खंड कर देना है, इस बात को भी समझेंगे और यहाँ से भी सवाल आता है। तो अभी हम लोग सीधा समझते हैं कि 24 का गुणनखंड कौन कौन है, 24 का फैक्टर कौन कौन है। इसका मतलब ये है कि 24 जिस जिस नंबर से भागा जाएगा, ध्यान से, 24 जिस जिस नंबर से भाग लगेगा, पूरा कंप्लीट 24 जिस जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो सारा का सारा नंबर 24 का फैक्टर होगा, और किसी भी नंबर के लिए यही बात सही है, ठीक है। तो अब देखिए कि 24 किस किस नंबर से भागा जाता है। तो भाई 24 1 से जाएगा, 2 से भागा जाएगा,
तीन से जाएगा 3×8=24, 4 से जाएगा 4×6=24, 5 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा 6 से जाएगा 7 से नहीं 8 से जाएगा 9 से नहीं जाएगा 10 से नहीं जाएगा 11 से नहीं जाएगा 12 से जाएगा फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 खुद से जाएगा। ठीक है, तो 24 इन सारे नंबर से भागा जाएगा? नहीं जाएगा। 1 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा 12 बार में 3 से जाएगा 8 बार में 4 से जाएगा 6 बार में 6 से जाएगा 4 बार में 8 से जाएगा 3 बार में 12 से जाएगा 2 बार में 24 से जाएगा 1 बार में 24 इन सारे नंबरों से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये सारा का सारा नंबर जो है 24 का फैक्टर हुआ। ठीक, फिर लिखे हैं 36। आप कोई भी नंबर का फैक्टर करके देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि वो नंबर किस किस नंबर से भागा जाएगा। अब 36 किस किस नंबर से भागा जाएगा? तो आप कहेंगे सर 36 एक से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से जाएगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से जाएगा, 18 से जाएगा, अब 19 से नहीं, 20 से नहीं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 से जाएगा। ठीक है, 36 से जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर है जिससे 36 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इन नंबर के सिवा? तो कहेंगे सर नहीं है कोई भी नंबर। ठीक है, फिर हम लिखे हैं 35। ठीक है, 35, तो 35 एक से जाएगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से जाएगा, 6 से नहीं, 7 से जाएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, किसी से नहीं, सीधा 35 से ही जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखे हैं 17। तो 17 एक से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं जाएगा, फिर खुद 17 से जाएगा। अभी इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या 23। तो भैया 23 किस किस से जाएगा? तो सर 23 एक से जाएगा और खुद 23 से जाएगा। ये और भी आप कई एग्जांपल लेके चीज़ों को समझ सकते हो। देखो फैक्टर्स या गुणनखंड, ठीक है, इसको आप डिविजर भी बोल सकते हैं। डिविजर भी तो है, 1 24 को पूरा पूरी काट देगा, 2 24 को पूरा पूरी काट देगा, 3 24 को पूरा पूरी काट देगा, 3 36 को काट देगा, 5 35 को काट देगा। तो ये इनका फैक्टर है और ये इनका भाजक भी है, डिविजर भी है। तो सवाल में फैक्टर के जगह भाजक लिख के भी आता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, किसी भी नंबर का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर, जैसे कि 24 का ये सारा फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि इन सारे नंबर का, इन सारा नंबर का मल्टीपल ही तो 24 है। 1 का मल्टीपल 24 है, 2 का मल्टीपल 24 है, 3 का मल्टीपल 24 है, 4 का मल्टीपल 24 है, इनके टेबल में आता है, मल्टीपल ही तो है। 2 का मल्टीपल 36 है, 3 का है, 1 का है, 4 का है, 6 का है, 9 का है, 12 का है, मतलब 36 जो है इन सभी नंबर के टेबल में आएगा। सही बात है, इसी तरीका से 35 35 एक के टेबल में है, 5 के टेबल में है, 7 के टेबल में है और खुद 35 के टेबल में है, 17 एक के टेबल में है और खुद 17 के टेबल में है, 23 एक के टेबल में है और खुद 23 के टेबल में है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बात समझिए, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि एक जो है सब में प्रेजेंट है। ले दूसरा मार्क कर लेते हैं, 1 जो है वो सब में है, 24 में भी है, 24 का भी फैक्टर है, 36 का भी है, 35 का भी है, 17 का भी है और 23 का भी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक ऐसा संख्या है जो हर एक नंबर का फैक्टर है, हर एक नंबर का मल्टीपल, हर एक नंबर जो है 1 का मल्टीपल है, हर एक नंबर, सभी संख्याएं 1 का गुणज है, तो ये सबके फैक्टर में आएगा। ठीक है,
और तो एक सभी संख्या के फैक्टर में आएगा, एक तो हमारा कॉमन हो गया, एक सभी संख्या के फैक्टर में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 हमारा सम संख्या है, 36 सम संख्या, 35 विषम संख्या है, 17 भी विषम संख्या है और 23 भी विषम संख्या है। लेकिन 17 और 23, 17 और 23 जो है आपका प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर आएगा। कोई भी प्राइम नंबर हो उसका दो ही फैक्टर होगा, ये आपको हम नंबर सिस्टम के डेफिनेशन में बताए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से घुमा के सवाल पूछ देता है, कोई बड़ा सा प्राइम नंबर दे देगा, दे देता है और पूछता है कि इसका इस संख्या के कितने फैक्टर होंगे या कितने भाजक होंगे या संख्या में भाजकों की संख्या कितना है और वो संख्या क्या है? प्राइम नंबर है। तो भाई कोई भी प्राइम नंबर होगा, भाई कोई भी प्राइम नंबर होगा बाबू, उसका दो ही फैक्टर होगा, एक तो एक और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे कि 17 हमारा प्राइम नंबर है तो 17 का दो ही फैक्टर, एक और 17 खुद। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही है नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होगा, पहला गुणनखंड एक होगा और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होगा, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि अभाज्य संख्या का ले का है भाई प्राइम, एक समझ लेना भाई, प्राइम नंबर का सिर्फ, देखो ये सब छोटा छोटा बात है, दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होगा, दो ही फैक्टर्स या डिविजर्स कुछ भी बोलेगा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर छोड़ दीजिए, कंपोजिट नंबर का फैक्टर दो से ज़्यादा होता है हमेशा, प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही होगा। अब वन जो है हर एक नंबर के फैक्टर में है, वन ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर, ये बात आपको पता है, क्योंकि अगर वन को प्राइम नंबर लेते हैं तो इसका दो फैक्टर होना चाहिए, लेकिन वन का तो एक ही फैक्टर है वन। अगर हम वन को कंपोजिट लेते हैं तो इसका फैक्टर दो से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वन का एक ही फैक्टर दिख रहा है वन, तो वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है। और जब कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर, आप जो भी प्राइम नंबर सोच सकते हैं, उसका भी सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा। कौन कौन? एक तो वन होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ, खुद संख्या, खुद संख्या, दो ही गुणनखंड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फैक्टर, देखो अगर एग्जामिनर बेसिक से सवाल पूछ देगा ना तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फैक्टर हम देख रहे हैं कि 24 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और खुद 24 है। 36 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 भी है। 35 का फैक्टर 1 है, 5 है, 7 है, 35 है। 17 का फैक्टर 1 है, 17 है। 23 का फैक्टर 1 और 23 है। अब देखिए आप कोई भी संख्या का फैक्टर आप जब करके देखिएगा तो आपको दो चीज़ कॉमन मिलेगा, पहला कि एक जो है उस संख्या का फैक्टर होगा और दूसरा संख्या खुद संख्या का फैक्टर होगा। जैसे कि 24 का फैक्टर हमारा 1 भी है और 24 का फैक्टर हमारा 24 भी है। 36 का फैक्टर 1 भी है और 36 का फैक्टर खुद 36 भी है। 35 का फैक्टर 1 भी है और 35 का फैक्टर खुद 35 भी है। खैर, और प्राइम नंबर तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक वो और एक नंबर खुद, एक और नंबर खुद। अब देखिए यहाँ से भी एग्जामिनर अगर अंदर जाके सवाल पूछेगा ना तो मामला बिगाड़ देगा। अब देख रहे हैं कि 24 में
दो फैक्टर को हम सर्कल किए हैं, एक और 24 को, 36 में एक और 36 को, 35 में एक और 35 को, 17 में भी एक और 17 ही है। ये वाला पैटर्न जो है सभी प्राइम नंबर के साथ फॉलो होगा, ठीक है, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। अब देखिए, कोई भी नंबर का दो फैक्टर, कोई भी नंबर का दो फैक्टर, वन और वो नंबर खुद, ये दोनों इम्प्रॉपर फैक्टर कहलाता है। इम्प्रॉपर फैक्टर, इम्प्रॉपर फैक्टर, तो दो चीज़ फैक्टर का दो चीज़ और आप समझ लीजिए यहीं पे। एक तो प्रॉपर फैक्टर समझ लीजिए, प्रॉपर फैक्टर, और इम्प्रॉपर फैक्टर, इम्प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फैक्टर को आप अनुचित भिन्न कह लीजिए। अब देखो उचित भिन्न क्या है, जैसे कि 24 का अगर इतना सा बात पूछ ले कि 24 का प्रॉपर फैक्टर कितना है, 24 का प्रॉपर फैक्टर कितना है, तो भाई 24 का इम्प्रॉपर फैक्टर कौन सा है, 1 और 24। तो 1 और 24, एक और वो संख्या खुद क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फैक्टर, और बाकी जो बचा 2, 3, 4, 6, 8 और 12, ये सब क्या है, 24 के प्रॉपर फैक्टर है। 36 में 1 और 36 आपके क्या हो गए, इम्प्रॉपर फैक्टर। बाकी जो बचा 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18 क्या हो गया, प्रॉपर फैक्टर। तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देखें कि एक महाशय हैं जो यूट्यूब पे इसको पढ़ाए हैं, तो वो बोल दिए कि एक, वो बोल दिए शायद एक को या 24 को, या तो अगर, या तो एक को या तो 24 को वो इम्प्रॉपर फैक्टर बोले, दोनों में से कोई एक को, एक ही को वो इम्प्रॉपर फैक्टर बोले, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा शक पैदा हुआ। तो हम खोजने लगे, गूगल पे गए, जाहिर सी बात है। तो गूगल पे जाने के बाद ये चीज़ दिखा जो हमको मालूम भी था कि 1 और 24, अगर 24 का इम्प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो 1 और 24 होगा, अगर 36 का इम्प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो 1 और 36 होगा, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपर फैक्टर होता है, किसी भी संख्या का जो इम्प्रॉपर फैक्टर होगा वो एक होगा और वो संख्या खुद होगा, बाकी का जो फैक्टर होगा वो आपका प्रॉपर फैक्टर होगा, उचित गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम क्या क्या बताएं, आपको हम 24 का फैक्टर, आप कोई भी नंबर ऐसे लिख के जैसे कि आपको समझना है, तो आप कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है। कंपोजिट नंबर लेना ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। आप कोई भी नंबर ले लेना और उसका फैक्टर निकालने का कोशिश करना, फैक्टर से भी सवाल आता है, उस पर हम बाद में आएंगे, अभी बेसिक बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसका फैक्टर वही नंबर होगा जो उसका डिवीजर होगा, मतलब जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होगा वही तो उसका फैक्टर में शामिल होगा। तो एक तो सब में शामिल होगा, और अब जिस नंबर का फैक्टर ढूंढेंगे वो खुद उसके फैक्टर में शामिल होगा, बाकी के और नंबर भी होंगे, ठीक है। तो एक और वो नंबर खुद क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। बाकी के जो नंबर होंगे वो होंगे प्रॉपर फैक्टर। तो ये चीज़ भी आप समझ लीजिए, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, और ना अगर पूछे तो जानकारी रखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या क्या शुरुआत, देखिए कहाँ से हम लोग को पढ़ना था, क्या क्या, हाँ, तो अब हम लोग को पढ़ना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कुछ भूल ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा टोटल नंबर, देखो यही ना होता है गड़बड़ा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से पहले हम लोग को पढ़ना है प्राइम फैक्टर्स। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम फैक्टर्स कर रहे हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, खास करके कंपोजिट नंबर का, तो हम
जो फैक्टर आ रहा है, जैसे कि 24 का हम फैक्टर देखें, ठीक है, तो 24 के फैक्टर में एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, छः आया, आठ आया, बारह आया, खुद 24 आया। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में देखें, ध्यान से देखो, फैक्टर में दो भाई कोई भी नंबर है, या तो सम होगा या तो विषम होगा, ठीक है। उसके अलावा इनमें आपको ऑड नंबर भी दिखेगा, इनमें आपको इवन नंबर भी दिखेगा, इनमें आपको प्राइम नंबर भी दिखेगा। प्राइम नंबर भी तो है, जैसे कि दो तीन क्या है, प्राइम नंबर है, बाकी चार छः आठ बारह चौबीस क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये भी पूछता है, तो आपसे पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझिए, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ को एकदम याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से घुमा के सवाल पूछ देगा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा एक सवाल ऐसा आ गया आपके पास, एकदम सीधा सा सवाल, सीधा सत्तू जैसा सीधा सवाल, कि भाई एक्स वाई जेड ए बी एक आपका जो है प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका कितना फैक्टर होगा। अब आप कहेंगे सर फैक्टर करना तो आप सिखाए हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर, ये एक्स वाई जेड ए बी का फैक्टर हम कैसे करें। तो सर ये कह रहा है ना कि ये प्राइम नंबर है, तो दो ही फैक्टर होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा दो ही फैक्टर होगा। तो ये चीज़ समझिए थोड़ा सा, बात समझ में आए, ठीक है। अगला टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। इसका हम आपको फोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम एक एक चीज लिख के लाए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल आता है कि भैया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी आपसे पूछता है, लेकिन अभी हम लोग प्राइम फैक्टर्स करना सीखेंगे, प्राइम फैक्टर्स होता क्या है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 72, जैसे कि हम एक नंबर लिए 72, तो 72 का प्राइम फैक्टर्स करना है अभाज्य गुणनखंड, सुनिएगा ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका मतलब 72 के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या को ही लाना होगा, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या को ही लाना होगा। तो अब आप, अगर हम एक बात आपसे कहें कि तुम 72 को दो टुकड़ा में तोड़ो, तो आप कई तरीका से तोड़ देंगे, कई तरीका से तोड़ देंगे। कोई बोलेगा सर 12 छके 72, 12 गुना 6, कोई बोलेगा नहीं नहीं 24 दिया 72 भी तो होता है, कोई बोलेगा क्या बात है सर 18 चौके 72 भी तो होता है, कोई कहेगा नहीं सर 1 गुना 72 भी तो होता है, कोई कहेगा नहीं 2 गुना 36 भी तो होता है। भाई सब सही कह रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं ना 2 गुना 36, 18 चौके 72, 9 अठी 72, 12 छके 72, 36 दुना 72, 1 गुना 72, इसको कहते हैं कि किसी भी नंबर को कितना तरीका से, कितना तरीका से दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए इस टॉपिक का नाम क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग आएंगे, उस पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आएगा। तो बस अब यहाँ पे हम लोग को 72 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो तोड़ने के कई तरीका है, पहले बेसिक बताते हैं। जैसे कि 72 को तोड़ना है ना, तो 72 को ऐसे तोड़िए, प्राइम नंबर्स में तोड़ना है ना, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका भी अब सीख लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालने का जो प्रॉपर मेथड है ना, वो शुरू होता है प्राइम नंबर से ही, उसको हमेशा डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले 2 से, अगर 2 से जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो 3 से, गया तो ठीक नहीं तो 5 से, गया तो ठीक नहीं तो 7 से, गया तो ठीक नहीं तो आपका 7 के बाद 11 से, ऐसे नहीं तो फिर 13 से,
नहीं तो फिर 17 से, नहीं तो फिर 19 से, ऐसे हमेशा प्राइम नंबर से ही उसको भागा दिया जाता है। अब हम लोग अपना सुविधा के लिए 72 अगर कोई भी दो नंबर का एलसीएम निकालना है तो हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर से भाग दे देते हैं आंसर निकालने के लिए। तरीका हम आपको बताएं, ठीक है। तो इसका करना है प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले दो से देखेंगे, दो से जा रहा है, जी हाँ जा रहा है 36, फिर ये दो से जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, दो से 36 को भागा दिया 18, फिर जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, दो दो निमा 18, अब दो से नहीं जा रहा है तो दो के बाद अगला प्राइम नंबर, तो सर अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से जा रहा है, जी 3 3 9, फिर ये 3, 3 से जा रहा है, 3 कम 3, ये हुआ आपका प्रॉपर मेथड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या 72 का जितना भी टुकड़ा है सारा का सारा प्राइम नंबर नहीं है, दो है, दो है, दो है, तीन है, तीन है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 72 को 2 × 2 × 2 × 3 × 3, समझिएगा ध्यान से। क्या ये जो 72 का जो हम इतना सारा टुकड़ा कर दिए प्राइम नंबर में नहीं है, यही तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर में टूट गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 2 है तो 2 का पावर 3 गुना 3 2 है तो 3 का पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पूछता है कि अगर आपसे यही बात पूछ देगा कि भाई एक बात बताओ कि 72 का कितना प्राइम फैक्टर है, 72 का कितना प्राइम फैक्टर है, अच्छा यहाँ पे 3 का पावर 2 होगा ना, सॉरी पसीना भी बहुत निकलता है, यहाँ पे 3 का पावर 2 होगा, ठीक है 3 का पावर 2 होगा। यही सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा जिसका चर्चा हम लोग आगे अभी करेंगे, पूछ लेगा कि 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, या आपसे पूछ देगा कि 72 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितना है, दोनों बात बराबर है, दोनों बात सेम है, ठीक है। या प्राइम फैक्टर्स पूछ दे या आपसे प्राइम डिविजर्स पूछ दे, बात बराबर है। तो भाई 72 में कितना प्राइम फैक्टर है, 1 2 3 4 5 प्राइम फैक्टर है, यही ना हुआ, 5 प्राइम फैक्टर है, तो ये बात भी पूछता है। तो देखिए, अगर जब छोटा छोटा नंबर देगा तब प्राइम फैक्टर्स निकालना आसान है, लेकिन जब बड़ा नंबर देगा फंस जाएंगे, उसके लिए हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करना। अगला नंबर लेते हैं 76, ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं 76, तो भैया 76 को तोड़ना है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आज ना हमको बहुत मजा आ रहा है, काहे कि आज हमको कुछ छोड़ने का डर ही नहीं है, सब लिख के लाए, तो ये अच्छा होता है, कुछ छूटेगा नहीं। देखिए 76, तो भाई 76 को भी तोड़ेंगे तो पहले 2 से देंगे तो 2 3 6 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो ये आपका जाएगा 19 बार में, फिर 19 से जाएगा 19 कम 19, तो 76 देखो प्राइम नंबर में टूट गया, 2 2 और 19 में टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया, मतलब 76 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 × 2 × 19, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 × 19 का पावर 1, कोई दिक्कत। हम आपको तोड़ने का ये तरीका बता रहे हैं, देखिए इस मेथड को भी आप अगर ध्यान में रखिएगा, और आपके ध्यान में तो है ही, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा नंबर को अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो जल्दी से हम तोड़ देंगे, जैसे कि अगर 76 है तो भैया 76 हमको समझ में आ गया कि 19 × 76, तो 19 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 19 का तो टेंशन नहीं है। अब इसके गुना में 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो इस सब नंबर तो आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि 1080 दे दिया, जैसे कि 1080 दे दिया, तीसरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 1080 दे दिया, ठीक है, तो 1080 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो भाई अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, तोड़ लेते हैं, जैसे कि 1080 तो इसको 2 से भाग देंगे तो कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा 540, फिर 2 से भाग देंगे कहेंगे कि सर 2 × 4 2 × 7 14 और 0 270,
फिर दो से भाग देंगे तो दो एकम दो, दो तिया छः, दो पच्चे दस, 135। अब ये तो दो से नहीं जाएगा, अब इसको तीन से देखते हैं तो 135 तीन से भागा जाएगा। कैसे जानेंगे? सब नंबर को जोड़ देंगे तो तीन और पाँच आठ और एक नौ। हाँ, तीन के टेबल में है नौ, मतलब तीन से जाएगा, तीन से जाएगा। ये तो दिख रहा है कि ये पाँच से भी जाएगा, लेकिन हम लोग प्रॉपर वे में सीख रहे हैं तो सीख लीजिए, ठीक है। तो ये तीन से चार बार में, तीन से पाँच बार में, ये तीन से फिर जाएगा भैया, तीन से पंद्रह बार में, ये तीन से फिर जाएगा, तीन पचे पंद्रह, और ये पाँच से पाँच एक पाँच, दो दो दो, तीन 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 पाँच, क्या हो गया 180 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना तीन और गुना पाँच। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? दो तीन बार है दो का पावर तीन, तीन तीन बार है तीन का पावर तीन, गुने पाँच एक बार है। यही तो हो गया अभाज्य गुणनखंड, हो गया, कोई दिक्कत? पेज नंबर कंप्लीट हो गया, वन थीटे में आते, ठीक है, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत? तो अभाज्य गुणनखंड करना हम लोग सीख रहे हैं। अब सवाल आता है भैया, अभाज्य गुणनखंड कितना है कोई भी नंबर का, तो उस पर भी आएंगे। पहले आते हैं भैया टोटल फैक्टर कितना होता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हम छोटा छोटा बात है, कुछ छूटने का डर नहीं है, ठीक है। और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा शेयर मार दीजिएगा, एकदम एक एक चीज़ आपको समझा देंगे, और अच्छा अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, अच्छा अच्छा सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। अब लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, एक एक चीज समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों या फैक्टर्स का मतलब डिविजर भी होता है ना, तो हम इसको डिविजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाजकों। तो यहाँ फैक्टर्स फैक्टर्स पब्लिक डिविजर्स भी कर देते हैं, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर है उसका कितना गुणनखंड है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम 24 को ही लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 24 को, भैया 24 को हम दो टुकड़ा में कितना तरीका से तोड़ सकते हैं, दो टुकड़ा में हम कितना तरीका से तोड़ सकते हैं? तो सर इसका तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसका कितना फैक्टर होगा टोटल, कितना फैक्टर होगा टोटल? देखिए, देख लीजिए, 24 को हम क्या लिख सकते हैं? एक गुना बारह, समझिएगा बात को, 24 को हम एक गुना चौबीस ना, सॉरी, एक गुना चौबीस, दो गुना बारह, तीन गुना आठ, चार गुना छः, यही ना, यही लिख सकते हैं। तो ये 24 का कितना फैक्टर हुआ? जो और कुछ नहीं ना आएगा, एक दो तीन चार छः आठ बारह चौबीस। तो अभी तो हम लोग देखें कि 24 का कितना फैक्टर है। तो सर 24 का फैक्टर यहाँ आपको कौन कौन दिख रहा है? एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार दिख रहा है, छः दिख रहा है, आठ दिख रहा है, बारह दिख रहा है, और खुद 24 दिख रहा है। ये 24 का कितना फैक्टर है? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल ना आठ फैक्टर है, आठ फैक्टर्स है 24 के, ठीक है। तो ये तो छोटा नंबर था 24, हम बहुत आसानी से निकाल दिए कि सर 24 का ना आठ फैक्टर्स है, 24 का आठ फैक्टर्स है, ठीक है। अगर हम 72 का बात करें तो 72 को जी तोड़िए जरा, कितना तरीका से। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हम लिखे हैं एक गुना चौबीस, दो गुना बारह, तीन गुना आठ, चार गुने छः, आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिएगा, सब में क्या आएगा? 24 आएगा। तो इसी को कहते हैं कि किसी भी संख्या, किसी भी संख्या को दो प्रोडक्ट में, किसी भी संख्या को दो गुणनखंड में तोड़ने का तरीका। तो 24 को हम कितना तरीका से तोड़ें? एक दो तीन चार, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो भाई 72 को हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर 1 × 72 लिख दे, बोले बिल्कुल। फिर 2 × 36 लिख दे, बोले सर बिल्कुल सही। फिर 3 × 24 लिख दे, सर बोले बिल्कुल सही। 4 × 18 लिख दे, बोले सर बिल्कुल सही। 5, 6, 6 × 12 लिख दे, बोले सर बिल्कुल सही। 7, 8 × 9 लिख दे, बोले सर बिल्कुल सही। अब और होगा क्या? रिपीट नहीं होना चाहिए। 9, 10, 11, 12 अगर हम 12, अगर हम 8 के बाद 12 लेंगे तो फिर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके आगे अगर 18 लेंगे तो फिर 4 से मल्टीप्लाई। अगर 24 लेंगे तो मतलब रिपीट होना चालू हो जाएगा। मतलब हम 72 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 टुकड़ों में, ठीक है। अब हमें फैक्टर से मतलब है, ठीक है। तो सर फैक्टर क्या है? फैक्टर है आपका, इसका कौन कौन सा फैक्टर हो गया? तो सर इसका फैक्टर हो गया, देखो 1, 2, 3, 4, 6, 8 पहले लिख लो, 1, 2, 3, 4, 6, 8 है, 9 है, फिर 12 है, उसके बाद 18 है, फिर आपका 24 है, फिर आपका 72 है। तो जी 72 का कितना फैक्टर हुआ? कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना फैक्टर हुआ? 11 फैक्टर हुआ। कहीं गलत कुछ छूटा? 12 होना चाहिए यार, छूटा क्या? अच्छा 36 छूटा ना, नहीं तो 36 और फिर 72। तो भाई 72 का कितना फैक्टर्स है? मतलब फैक्टर्स का कहने का मतलब ये है कि 72 को कितना संख्या विभाजित करेगा। तो सर 72 को विभाजित करने वाला सिर्फ और सिर्फ 12 संख्या है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है और खुद 72 है। उसी तरीका से 24 के कितने फैक्टर हैं, इसका मतलब 24 को विभाजित करने वाला कितना संख्या है, ठीक है। तो सर 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। छोटा छोटा नंबर इसीलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा, और 24, 72 हम लोग हर जगह ले रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 72 का कितना फैक्टर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल इसका 12 फैक्टर हो गया। कितना फैक्टर हो गया सर? 12 फैक्टर हो गया। मतलब 12 ऐसा नंबर है जो 72 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अब देखिए, जब गुणनखंडों की संख्या निकालना है, जब गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तब अगर छोटा नंबर है, अगर छोटा नंबर है तब तो भाई आसान है। अभी तक कुछ छोटा नहीं ना भाई, हमको लग रहा कुछ मल्टीपल हो गया, फैक्टर हो गया, उसके बाद प्राइम फैक्टर हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि एग्जाम में हमसे छोटा सा चीज़ पूछ देगा कि भैया 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, मतलब वो पूछ रहा है कि 24 को विभाजित करने वाला कुल कितना नंबर है, पूर्णतः कम्प्लीटली पूरा पूरा विभाजित करने वाला कुल कितना संख्या है। तो हम लोग ऐसे तो इसको लिख देंगे जुबान पर, कुछ करना ही नहीं है, कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, ये तो आसान है। और कहेंगे सर टोटल गिन देंगे, 8 फैक्टर है, 8 हम उत्तर दे देंगे। अगर पूछ दिया कि 72 का कुल कितना फैक्टर है, तो ये भी एकदम आसान है, एकदम से उंगली पे गिन देंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है और खुद 72 है। सर 12 फैक्टर है, आसानी से उत्तर दे देंगे। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तब क्या करेंगे? जैसे कि बड़ा नंबर पूछ दिया, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, तो उसका फैक्टर हम लोग कैसे गिनेंगे? दिक्कत होगा। तो या उसका कुछ उपाय होना चाहिए, तो उसके लिए तरीका बताते हैं, ठीक है, यहीं पे बताते हैं। देखो इसको भी हम यहाँ पे लिखें, एग्जाम में कैसे करें, ठीक है, आप लोग को दिखेगा। जैसे कि हमें 24 का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो तरीका क्या है समझो।
आप पहले 24 को कर देना प्राइम फैक्टर में तोड़ देना, 24 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ देना। तो 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है, 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो भैया 24 को तोड़ेंगे तो 8 तियाई 24 हुआ, 8 गुना 3 24, देखो तो 8 गुना 3, हम इसी को काहे छांटें, देखो इसी को काहे छांटें हम, क्योंकि 8 मालूम है कि 2 का क्यूब है, तो हम इसको सीधा लिख देंगे 8 का प्राइम फैक्टर में 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, यही ना है 8 तियाई 24। अब हम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब